ईडी के अधिवक्ता के द्वारा पुलिस कस्टडी में पेश किया गया और पुनः जो है 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया, जिस पे अदालत ने 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। 12 तारीख को 2 बजे तक उन्हें फिर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है। मेडिकल कराया जाएगा उनका बकायदे, कोई टार्चर नहीं किया जाएगा और अपने अधिवक्ता को कंसल्ट करने दिया जाएगा। ये सारे आदेश न्यायालय ने किए हैं। इसमें सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हाँ, सुरक्षा के संबंध में भी कहा है, आदेश दिया है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अभी ये कहाँ ले गए हैं? अब देखिए, अब कहाँ वो रखते हैं, कैसे करते हैं, और सारी कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीके से की गई, हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, इसलिए अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाए। ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ठीक है, अब तक पूरा अपना परिचय दे दिया। लल्लन सिंह एडवोकेट।